वंदे मातरम कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 6 भाववाचक संज्ञा अपन ने ये पहले पढ़ा था, इसके आज अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, इसके अंदर क इन शब्दों का निर्माण खाली जगह जोड़कर किया जाता है, तो खाली स्थान में आएगा प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। दूसरा, लंबा प्लस ई से खाली जगह शब्द बनता है, तो लंबा प्लस ई से लंबाई शब्द बनता है। तीसरा, ग ग के अंदर खाली स्थान शब्द बच्चा प्लस पन से बना है, तो इसका उत्तर है बचपन शब्द बच्चा प्लस पन से बना है। घ चिकित्सा खाली जगह है, तो चिकित्सा भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न क्रमांक 2 भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो इसके अंदर च चय के अंदर है मम से अपने को भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो मम से ममत्व शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। छ स्वामी से शब्द बनेगा स्वामित्व। कड़ुआ शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा कड़ुआहट। मोटा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा मोटापा। इसी प्रकार वीर शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा वीरता। डाकू शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा डकैती। पशु से पशुता या पशुत्व। पुरुष शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा पुरुष। सूर शब्द से शब्द बनेगा शौर्य और भाई शब्द से भाईचारा। आगे प्रश्न क्रमांक 3 है भाववाचक संज्ञा में सम्मिलित मूल शब्द लिखिए, यानी अपने को भाववाचक संज्ञा में से जो मुख्य शब्द हैं वो लिखने हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द है मनुष्यता, तो इसके अंदर मूल शब्द है मनुष्य। इसी प्रकार पांडित्य के अंदर मूल शब्द है पंडित। व्यक्तित्व के अंदर मूल शब्द है व्यक्ति। और सुंदरता शब्द के अंदर मूल शब्द है सुंदर। बुढ़ापा, बुढ़ापा के अंदर मूल शब्द है बूढ़ा। इसी प्रकार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के अंदर मूल शब्द है स्वस्थ। वैद्य के अंदर मूल शब्द है वैद्य। मिठास के अंदर मूल शब्द है मीठा। और माधुर्य के अंदर मूल शब्द है मधुर। इसी प्रकार चतुराई के अंदर मूल शब्द है चतुर। प्रश्न क्रमांक 4 है भाववाचक संज्ञा पद में प्रयुक्त प्रत्यय अपने को लिखना है। तो पहला है लिखावट, इसमें से अपने को जो प्रत्यय है वो लिखना है। तो लिखावट शब्द के अंदर वट प्रत्यय है। इसी प्रकार गिरावट के अंदर वट प्रत्यय है। रुकावट के अंदर वट प्रत्यय हैं। रुलाई में ई प्रत्यय हैं। कटाई में ई प्रत्यय हैं। बुआई के अंदर भी ई प्रत्यय हैं। सजावट, सजावट के अंदर वट प्रत्यय लगा हुआ है। पिटाई के अंदर ई। थकावट के अंदर वट। और लड़ाई शब्द के अंदर ई प्रत्यय लगा हुआ है। बचपन, बचपन के अंदर पन प्रत्यय लगा हुआ है। सिलाई, सिलाई में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। बनावट के अंदर वट
प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और थरथराहट के अंदर हट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक के 5 है, 5-5 भाववाचक संज्ञा पद लिखिए जो संज्ञा विशेषण और क्रिया पदों से बने हो। तो 5 भाववाचक संज्ञा पद अपन ने जो पढ़े थे वो अपने को इसमें लिखने हैं। तो संज्ञा पदों के अंदर जैसे लंबाई, पशुत्व, तीखापन, मोटापा, थकावट आदि अपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार विशेषण भाववाचक संज्ञा लिखेंगे अंदर अपने विशेषण पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जैसे सुंदरता, लघुता, अनेकता, आलस्य, अच्छाई, माधुर्य, मिठास, ये सब भाव विशेषण शब्दों से निर्मित है। इसी प्रकार क्रिया पदों से बने शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं गायन, लिखावट, गिरावट, जुताई, सजावट, थकावट आदि शब्द हैं, ये अपने को करने हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, ता, ई, हट, वट तथा पन प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द दो भाववाचक संज्ञा पद बनाने हैं अपने को। तो इसके अंदर है ता, ता से अपन शब्द बना सकते हैं जैसे पशुता, सुंदरता, लघुता आदि अपन शब्द बना सकते हैं। ई से लंबाई, रुलाई, कटाई, ये सब। इसी प्रकार हट से थरथराहट, कड़वाहट, ये शब्द अपन लिख सकते हैं। और वट, वट से लिखावट, गिरावट, रुकावट आदि शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार पन, पन से बचपन, आदि शब्दों के द्वारा अपन ये काम करेंगे। ये कार्य अपने को गृह कार्य के अंदर करना है। धन्यवाद।